जिंदगी एक सफर है और समय हमारा साथी। ये हर पल आगे बढ़ता रहता है, हम इसे रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। घड़ी चलती रहती है, अमीर हो या गरीब, बूढ़ा हो या जवान, समय सबके साथ एक जैसा होता है। यही बात समय को हमारा सबसे कीमती खजाना बनाती है। ये पैसों से भी ज्यादा कीमती है। पैसे तो हम और कमा सकते हैं, लेकिन समय वापस नहीं ला सकते। हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। हर किसी के पास एक ही दिन में उतना ही समय होता है, चाहे वह कोई भी हो, कहीं भी हो। न किसी को ज्यादा, न किसी को कम। समय का यह प्रवाह सबके लिए समान है और यही इसकी खूबसूरती है। हम इस समय का कैसे इस्तेमाल करते हैं, यही हमारी जिंदगी तय करता है। कुछ लोग हर पल का सही उपयोग करते हैं, जबकि कुछ इसे यूं ही गंवा देते हैं। कुछ लोग समय बर्बाद करते हैं, वे अपने समय को बिना किसी योजना के बिताते हैं और फिर उन्हें इसका पछतावा होता है। दिन यूं ही निकल जाता है। समय की यह बर्बादी उन्हें कहीं नहीं ले जाती, कुछ खास नहीं कर पाते, वे अपने लक्ष्यों को हासिल करने में असमर्थ रहते हैं। बाद में पछतावा होता है, वे सोचते हैं कि काश उन्होंने समय का सही उपयोग किया होता। दूसरे लोग समय की कद्र करते हैं, सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। वे हर पल को महत्व देते हैं और इसे सही दिशा में लगाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, मेहनत करते हैं। वे अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, अपने सपने पूरे करते हैं। फर्क साफ है, समय का सही उपयोग करने वाले लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ अनऑर्गेनाइज्ड होने का नाम नहीं है, यह एक कला है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। यह अपनी जिंदगी का पूरा फायदा उठाने का नाम है। यह हमें अपने समय का अधिकतम उपयोग करने की प्रेरणा देता है। ये उद्देश्य के साथ जीने का नाम है। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक हुनर है। किसी भी हुनर की तरह इसे सीखा जा सकता है। प्रैक्टिस से इसे और बेहतर बनाया जा सकता है और ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। सोचिए, दो लोग हैं, दोनों में बराबर काबिलियत है। एक टाइम मैनेजमेंट अच्छा करता है, दूसरा नहीं। आपके हिसाब से कौन ज्यादा कामयाब होगा? जवाब साफ है, अच्छा टाइम मैनेजमेंट आपको एक अलग ही बढ़त देता है। इससे आप कम समय में ज्यादा काम कर पाते हैं, तनाव कम होता है और आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? समय का सही उपयोग करना एक कला है और इसे सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। ये रहे कुछ आसान तरीके जो आपके दिन को अधिक उत्पादक बना सकते हैं। पहला, दिन की योजना बनाएं। एक अच्छी योजना आपके दिन को व्यवस्थित और प्रबंधनीय बनाती है। हर दिन की शुरुआत एक प्लान के साथ करें। इससे आपको यह पता रहेगा कि आपको क्या करना है और कब करना है। अपने काम लिखें और उन्हें जरूरत के हिसाब से क्रम दें। दूसरा, सही लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य निर्धारित करने से आपको दिशा मिलती है और आप अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश न करें, यह आपको थका सकता है और आपकी उत्पादकता को कम कर सकता है। बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, इससे वे अधिक प्रबंधनीय हो जाते हैं और आप उन्हें आसानी से पूरा कर सकते हैं। तीसरा, ध्यान भटकाव से बचें। ध्यान भटकाव आपके समय का सबसे बड़ा दुश्मन है। पहचानें कि आपका समय कहां बर्बाद होता है और उसे रोकें। यह सोशल मीडिया, अनावश्यक मीटिंग्स या अन्य गैर जरूरी गतिविधियां हो सकती हैं। एक समय पर एक ही काम पर ध्यान दें। मल्टीटास्किंग से बचें, क्योंकि यह आपकी उत्पादकता को कम कर सकता है। चौथा, ब्रेक लें। बीच बीच में ब्रेक लेने से काम में मन लगा रहता है। यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। हर घंटे कुछ मिनट के लिए काम से हट जाएं। यह आपको तरोताजा रखता है और आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है। आखिर में ना कहना सीखें। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उन कामों के लिए ना कहें जो आपका कीमती समय बर्बाद करेंगे। उन कामों के लिए ना कहने से ना कतराएं जो आपका कीमती समय बर्बाद करेंगे। यह आपको अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। ये टिप्स आसान लग सकते हैं, लेकिन इन्हें अपनाने से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन अगर इन्हें नियमित रूप से अपनाया जाए तो ये बहुत कारगर साबित होते हैं। समय का सही उपयोग आपको अधिक उत्पादक, संतुलित और खुशहाल बना सकता है। भाग 5, योजना की शक्ति। अपनी राह खुद बनाएं। कल्पना कीजिए कि आप यात्रा पर जा रहे हैं। क्या आप बिना मंजिल तय किए गाड़ी चलाना शुरू कर देंगे? बिल्कुल नहीं। अपने दिन की योजना बनाना अपनी यात्रा का नक्शा बनाने जैसा है।
ये आपको दिशा देता है और आपको सही रास्ते पर बनाए रखने में मदद करता है। दिन के अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान करके शुरुआत करें, ये आपकी जरूरी चीजें हैं। फिर प्रत्येक कार्य के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करें। भाग 6, सफलता के लिए प्राथमिकता। असली मायने क्या है पहचानें। समय एक सीमित संसाधन है और इसे सही तरीके से प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। सभी कार्य समान नहीं बनाए जाते हैं, कुछ जरूरी होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण होते हैं। यह समझना कि कौन से कार्य आपके लक्ष्यों के लिए सबसे अधिक योगदान करते हैं सफलता की कुंजी है। कुछ दोनों होते हैं, अंतर करना सीखें। यह जानना कि कब और कैसे प्राथमिकता देनी है आपके समय और ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करता है। आइजनहावर मैट्रिक्स प्राथमिकता देने के लिए एक उपयोगी उपकरण है। यह आपको स्पष्टता और दिशा प्रदान करता है जिससे आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। यह कार्यों को 4 भागों में वर्गीकृत करता है। जरूरी और महत्वपूर्ण, इन कार्यों को तुरंत करें। ये कार्य आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हें टालना नहीं चाहिए। महत्वपूर्ण लेकिन जरूरी नहीं, इन कार्यों के लिए समय निर्धारित करें। ये कार्य आपके विकास और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन इन्हें तुरंत करने की आवश्यकता नहीं होती। जरूरी लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, हो सके तो इन कार्यों को दूसरों को सौंप दें। यह आपको अपने समय को अधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित करने की अनुमति देता है। न तो जरूरी और न ही महत्वपूर्ण, इन कार्यों को हटा दें। ये कार्य केवल आपका समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं और इन्हें प्राथमिकता सूची से हटाना सबसे अच्छा है। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आप वास्तव में मायने रखने वाली चीजों पर प्रगति कर रहे हैं। यह न केवल आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है बल्कि आपको अपने लक्ष्यों के करीब भी लाता है। प्राथमिकता देना एक कला है और इसे सही तरीके से करने से आप अपने जीवन में संतुलन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भाग 7, प्रतिनिधि मंडल और आउटसोर्सिंग। दूसरों की क्षमता का लाभ उठाएं। आपको सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है। कार्यों को सौंपने से आपका समय अधिक महत्वपूर्ण चीजों के लिए खुल जाता है। उन कार्यों की पहचान करें जो दूसरे कर सकते हैं। उन्हें सहयोगियों, परिवार के सदस्यों या यहां तक कि काम पर रखने में सहायता के लिए सौंपें। याद रखें, सौंपने का मतलब जिम्मेदारी से पीछे हटना नहीं है। स्पष्ट निर्देश दें और यह सुनिश्चित करने के लिए फॉलोअप करें कि कार्य ठीक से पूरा हुआ है। भाग 8, समय की कठोर प्रकृति, टालने के नुकसान। टालमटोल समय की चोर है। हम सब कभी ना कभी ऐसा करते हैं, लेकिन पुरानी टालमटोल हानिकारक हो सकती है। जब हम चीजों को टालते हैं तो हम तनाव और चिंता पैदा करते हैं। हम घटिया काम करने का जोखिम भी उठाते हैं। टालने की आदत को तोड़ें, छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। अपने लिए समय सीमा तय करें। कार्यों को पूरा करने के लिए खुद को पुरस्कृत करें। भाग 9, पर्याप्त समय का भ्रम, समय की सीमित प्रकृति को पहचानें। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त समय है, लेकिन समय सीमित है। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए या टीवी देखते हुए घंटों बर्बाद करना आसान है। एक हफ्ते के लिए अपने समय को ट्रैक करें। आप यह देखकर हैरान हो सकते हैं कि आपका समय वास्तव में कहां जाता है। यह जागरूकता बदलाव के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकती है। याद रखें, आप किसी चीज पर जितना मिनट बिताते हैं वह मिनट आप किसी और चीज पर नहीं बिता सकते। बुद्धिमानी से चुने। भाग 10, संतुलन खोजना। काम के लिए समय, जीवन के लिए समय। समय प्रबंधन केवल उत्पादकता के बारे में नहीं है, यह एक संतुलित जीवन बनाने के बारे में है। उन चीजों के लिए समय निकालें जिनका आप आनंद लेते हैं। अपनों के साथ समय बिताएं, अपने शौक को आगे बढ़ाएं, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जब आपका जीवन संतुलित होता है तो आप अधिक ऊर्जावान और केंद्रित होते हैं। यह बदले में आपको अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिक उत्पादक बनाता है। भाग 11, एक कालातीत प्रश्न। आप अपने समय का क्या करेंगे? समय एक उपहार है, यह एक संसाधन है, यह एक अवसर है। आप इसका उपयोग कैसे करेंगे? क्या आप इसे फिसलने देंगे या आप हर दिन को जीतेंगे और उसे मायने रखेंगे? चुनना आपको है। बुद्धिमानी से चुनें।